वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। एंड कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ? स्टैक। बट सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर, मैनेज और प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर। इट इज अ वे टू स्टोर और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। स्टैक इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू स्टोर और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सो स्टैक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज अ स्टैक? स्टैक इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच insertion of the data and deletion of the data will take place only at one end, that is known as top. It follows LIFO, last in first out. That means the information which we store last in the stack will be removed first. Kehne ka matlab hai, स्टैक आपका इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने का वो तरीका है जिसके हेल्प से हम अपने स्टैक में डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट ओनली वन एंड, एंड दैट एंड इज कंसिडर एज टॉप। हम टॉप पे ही इंसर्ट करेंगे, टॉप पे ही रिमूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्सेप्ट जो है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपका स्टैक है वो वन साइड ओपन पाइप है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी इसी एंड से आएगी और जो रिमूवल होगा वो भी इसी एंड से होगा। आपके इस एंड से ना तो इंफॉर्मेशन आ सकती है ना ही जा सकती है। तो जब एक ही एंड से इंफॉर्मेशन आएगी और एक ही एंड से इंफॉर्मेशन जाएगी, तो जो इंफॉर्मेशन लास्ट इन हुई होगी वही आपकी स्टैक से सबसे पहले रिमूव होगा। जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, यह हमारी एक एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। जब हमने पहली वैल्यू स्टोर की तो वो आई, स्टोर हो गई 25, ले सपोज करते हैं। एक और वैल्यू स्टोर की 30, 40। आप देख रहे हैं जब भी इंफॉर्मेशन आ रही है इस डायरेक्शन से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। अब जब रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले कौन रिमूव होके आएगा? 40। क्यों? क्योंकि 40 आपकी टॉप पोजीशन पे है, यानी लास्ट पोजीशन पे है, तो आपका 40 ही सबसे पहले रिमूव होगा। स्टैक में जो हम एलिमेंट को इंसर्ट और रिमूव करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होती है। सबसे पहले द पोजीशन एट विच वी इंसर्ट और रिमूव द एलिमेंट इज कंसिडर एज टॉप। आपकी स्टैक की वो पोजीशन जिसपे हम एलिमेंट को इंसर्ट या रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं टॉप पोजीशन। और स्टैक में जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम नाम देते हैं पुश ऑपरेशन। अगर हमें स्टैक में एलिमेंट एड करना है तो वी विल से कि हमने पुश किया है, ठीक है। और जब भी हम स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन। स्टैक की लिमिटेशन यही है कि एक ही एंड से इंफॉर्मेशन आएगी और एक ही एंड से इंफॉर्मेशन रिमूव होगी, इन बिटवीन हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन बिटवीन इंफॉर्मेशन को इंसर्ट या रिमूव किया तो जो हमारे स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम उसे स्टैक नहीं कह सकते हैं। अगर हमें स्टैक बनानी है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एक ही एंड से होंगे और उस एंड को हम क्या कहेंगे? टॉप। और ये कहां पे होता है? एट द एंड ऑफ स्टैक, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टैक को हम पाइथन में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और स्टैक पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी हमने कहा कि अब हमें देखना है कि हाउ वी इंप्लीमेंट स्टैक इन पाइथन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। हम पाइथन में स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट। 11th क्लास में हमने लिस्ट पढ़ा है। लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
अब सीक्वेंस तो और भी डेटा टाइप होते हैं लाइक स्ट्रिंग, टपल, हम उन्हें यूज करके स्टैक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही ये बात कही गई है कि स्टैक में मल्टीपल टाइम एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव किया जा सकता है, यानी बार बार एलिमेंट्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि स्ट्रिंग और टपल जो हमारे हैं वो आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उनके अंदर एलिमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता है। बट लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को जब चाहे ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। दैट्स व्हाई वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन यूजिंग लिस्ट। ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे। बट हम स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स, नंबर वन, क्रिएट स्टैक। सबसे पहले हमें स्टैक को क्रिएट करना होता है। नंबर टू, पुश ऑपरेशन, हम स्टैक में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा व्हेनेवर वी ऐड एलिमेंट इन स्टैक इट इज कंसिडर एज पुश ऑपरेशन। वी कैन चेक वेदर द स्टैक इज हैविंग सम एलिमेंट और नॉट, दैट इज चेक एम्प्टी ऑपरेशन। नेक्स्ट इज पॉप ऑपरेशन, व्हेनेवर वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक दैट इज कंसिडर एज पॉप ऑपरेशन। लास्ट इज ट्रवर्सल, ये और वी कैन से डिस्प्लेइंग द एलिमेंट ऑफ स्टैक। इफ वी आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन स्टैक डेफिनेटली वी कैन असेस द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्टैक एंड दैट प्रोसेस इज कंसिडर एज ट्रवर्सल। हम ये पांच बेसिक ऑपरेशन स्टैक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इन पांचों ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएशन ऑफ स्टैक। S is equal to empty square bracket or you can say S is equal to list. इन दोनों ही स्टेटमेंट से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसे हम स्टैक कंसिडर कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे क्या, क्रिएट स्टैक, ठीक है। दिस इज कंसिडर एज स्टैक क्रिएशन। अब बात आती है पुश ऑपरेशन। जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टैक में हम एक ही पोजीशन पे इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं और वो भी कहां पर, लास्ट में, यानी हमें लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना है। अगर 11th क्लास के लिस्ट चैप्टर आपको याद हो तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि लिस्ट में जब भी हमें लास्ट में एलिमेंट ऐड करना होता है तो उसके लिए आपका लिस्ट का एक स्पेशल मेथड यूज होता है, अपेंड। हम अपेंड मेथड को यूज करके अपने लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा s डॉट अपेंड 10, जो भी आप वैल्यू देंगे वो आपके स्टैक के लास्ट में स्टोर हो जाएगी। ये तो मैंने स्पेसिफिक वैल्यू दी। अगर मैं यूजर से इनपुट करा के स्टोर करना चाहती हूं तो हम कैसे करें, हमने एक स्पेशल वेरिएबल लिया और इसमें हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करा ली है। s डॉट अपेंड, ऑटोमेटिकली लिस्ट के लास्ट में आपका ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसे हम कहेंगे पुश ऑपरेशन और वी कैन से इंसर्ट द एलिमेंट इन स्टैक। अब बात करते हैं कि हमारे दो ऑपरेशन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज पुश ऑपरेशन। नाउ थर्ड, चेक एम्प्टी, कि अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी स्टैक है वो एम्प्टी है या उसके अंदर पहले से एलिमेंट है, तो वो हम कैसे चेक करें। चेक एम्प्टी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। बेटा सीधी सी बात है कि अगर आपकी जो लिस्ट आपने क्रिएट की है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स योर स्टैक इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं है।
यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि हाउ टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. ठीक है, वी हैव डिस्कस थ्री ऑपरेशन ऑफ द स्टैक. नाउ द फोर्थ वन दैट इज पॉप ऑपरेशन. बेटा पॉप ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप बात में कुछ स्टेप अपने दिमाग में रखनी होंगे. सबसे पहले स्टेप, डिलीट करने के लिए आपके स्टैक में एलिमेंट होना चाहिए. अगर आपके स्टैक में एलिमेंट होगा तो ही हम डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिलीट नहीं कर सकते हैं. यानी जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर द स्टैक इज हैविंग एलिमेंट और नॉट. फॉर दैट वी हैव टू चेक कंडीशन चेक एम्प्टी. इफ एस इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मींस योर स्टैक इज एम्प्टी एंड वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक. ए फॉर एम्प्टी, एस फॉर एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मींस वी हैव सम एलिमेंट इन द स्टैक एंड वी कैन डिलीट. बट फ्रॉम वेयर यू विल डिलीट? वी विल डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट. और हम पहले से ये बात जानते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, दैट इज पॉप फंक्शन, विच इज यूज टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. हम सीधा सीधा उसे यूज कर देंगे. प्रिंट एस डॉट पॉप. अगर आप पॉप के साथ कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं देते हैं तो बेटा इट विल डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. और जो एलिमेंट डिलीट होगा वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पॉप फंक्शन दिया है तो वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा, क्योंकि पॉप फंक्शन डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न करता है. दिस इज हाउ वी परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक. नाउ हाउ वी ट्रवर्स द एलिमेंट ऑफ स्टैक, और वी कैन से हाउ वी असेस द एलिमेंट ऑफ स्टैक. बेटा स्टैक बेसिकली यहां पर क्या है? लिस्ट है. लेकिन लिस्ट को हमें एज अ स्टैक दिखाना है, यानी हमें इस तरह से दिखाना है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे टॉप पे डिस्प्ले होना चाहिए, सबसे बिगनिंग में डिस्प्ले होना चाहिए. जब हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को वन बाय वन एसेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो से लेकर लेन ऑफ लिस्ट तक का लूप चला देते हैं. उससे क्या होता है, पहले फर्स्ट पोजिशन का, सेकेंड पोजिशन का, थर्ड पोजिशन का, इस तरह से एलिमेंट डिस्प्ले होगा. लेकिन हमें स्टैक में क्या करना है, रिवर्स एलिमेंट्स को एसेस करना है. यानी पहले लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट एंड सो ऑन, फिर सबसे लास्ट में सबसे पहला एलिमेंट. तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट को एसेस करने का लूप है वो रिवर्स लूप चला देंगे. बट डिस्प्ले फंक्शन भी जब आप बनाएंगे, डिस्प्ले ऑपरेशन भी जब आप परफॉर्म करेंगे, फिफ्थ ऑपरेशन ट्रवर्सल, जब हम ट्रवर्स करेंगे तो उसमें भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी स्टैक से हम कोई एलिमेंट डिस्प्ले नहीं कर सकते. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, हम लूप चला देंगे. हमने एल के अंदर लेन ऑफ एस माइनस वन स्टोर कर दिया है. हमारे स्टैक में जितने भी एलिमेंट होंगे, सपोज करो अगर चार एलिमेंट है तो इंडेक्स कहां से कहां तक जाएंगे, जीरो टू थ्री, इसीलिए माइनस वन का. अब हमने कह दिया फोर आई इन रेंज, कहां से बिगिन करें, एल से, और कहां तक कंटिन्यू करना है, माइनस वन तक. और स्टैक की वैल्यू भी हमने क्या दी है, माइनस वन. कॉलन यहां लगाएंगे. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम रिवर्स ऑर्डर में स्टैक के एलिमेंट को एसेस करेंगे तो उसे हम प्रिंट भी करते चले जाएंगे. प्रिंट एस आई, दैट इज हाउ वी ट्रवर्स द एलिमेंट ऑफ स्टैक. ये तो हमने डिस्कस की पांचों ऑपरेशन के कॉन्सेप्चुअली. अब अगर हमें इनका फंक्शन बनाना है तो हम कैसे फंक्शन बनाएं? बेसिकली हम यहां पर कितने फंक्शन बनाएंगे, हम सबसे पहले स्टैक को क्रिएट करेंगे, फिर पुश ऑपरेशन, फिर आपका डिस्प्ले फंक्शन एंड पॉप फंक्शन बनेगा. तो अभी हम ये चारों फंक्शन वन बाय वन आपको विद प्रॉपर कोडिंग एक्सप्लेन करेंगे.
जो चीजें हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस की थी अब उसे एज अ प्रॉपर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन के फॉर्म में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में स्टैक क्रिएट होनी चाहिए, तो मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है एस और उसे एज एन एम्प्टी स्टैक डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले स्टैक होगी तभी तो उसके अंदर हम एलिमेंट को ऐड या इंसर्ट कर पाएंगे। अब हमने फंक्शन बनाया पुश फंक्शन, डेफ पुश फंक्शन। यहाँ पर हमें अलग से वेरिएबल हमने नहीं डिक्लेयर किया है स्टैक के लिए, ग्लोबल इसीलिए डिक्लेयर किया है कि प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे वो डायरेक्टली एस को यूज कर पाएंगे। ठीक है, पुश फंक्शन में हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक ऑफ नंबर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई बाय डिफॉल्ट रूल नहीं है कि सिर्फ नंबर्स की ही स्टैक बन सकती है, आप किसी भी डेटा टाइप की स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो स्टैक ऑफ नंबर का एग्जांपल दे रही हूँ, इसीलिए जो मैंने यूजर से इनपुट कराया है उसे इंट फंक्शन के अंदर दिया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है। यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है उसको बाद में हमने एस में अपेंड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका कहां पर इंसर्ट होगा, स्टैक के एंड में इंसर्ट होगा। दिस इज योर पॉप फंक्शन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पॉप में हम क्या करते हैं बेटा, पॉप आपका लिस्ट का भी एक फंक्शन होता है, इसीलिए इसे हम नेम दे देते हैं स्टैक पॉप ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, जब भी हमें स्टैक से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आई हैव टोल्ड यू टू चेक वेदर द स्टैक इज हैविंग सम एलिमेंट और नॉट। इफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट दैट मींस योर स्टैक इज एम्प्टी, एंड एम्प्टी स्टैक के सिचुएशन में हम अंडरफ्लो मैसेज दे सकते हैं, यानी यूजर को बता सकते हैं कि स्टैक में डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड प्रिंट अंडरफ्लो। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम स्टैक से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कहां से डिलीट करना है, लास्ट से। लिस्ट में लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आपका पॉप फंक्शन यूज होता है, अगर आपने साथ में कोई पोजीशन नहीं दी है तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। दो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, पुश फंक्शन एंड पॉप फंक्शन, और पॉप के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी चेक एम्प्टी कंडीशन भी यूज हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रवर्सल ऑफ द स्टैक फंक्शन यानी डिस्प्ले फंक्शन। पूरा एक ही प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले एम्प्टी स्टैक क्रिएट की, फिर पुश फंक्शन बनाया, फिर स्टैक पुश फंक्शन बनाया, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, डिस्प्ले करते वक्त भी हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं, दैट इज एम्प्टी स्टैक कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, अंडरफ्लो का मैसेज देंगे, कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो कंट्रोल यहीं से वापस हो जाएगा, आगे की कंडीशन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें एंड टू बिगनिंग के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है, तो हमारा लास्ट एलिमेंट कहां पर होता है, लेन ऑफ लिस्ट माइनस वन पोजिशन पे, तो हमने वो पोजिशन फाइंड कर ली किसके अंदर, एल के अंदर, किसकी, लास्ट एलिमेंट की। तो हमें लास्ट पोजिशन से लेकर जीरो तक का लूप चलाना है, इसलिए मैंने एल माइनस वन कहा। अगर मैं जीरो दे देती तो हमारा पहला एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि अपर लिमिट कभी भी रेंज में इंक्लूसिव नहीं होती है, इसलिए मैंने यहां पर क्या दिया, माइनस वन, और स्टेप की वैल्यू भी क्या दी है, माइनस वन, क्योंकि हमें ऑपोजिट ऑर्डर में एलिमेंट्स को एसेस करना है, पहले फोर्थ पोजिशन, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर जीरो, यानी पोजिशन डिक्रीज हो रही है, इसीलिए स्टेप की वैल्यू हमने क्या दी है, माइनस में दी है। प्रिंट एस आई यानी एस की आई पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले करता चला जाएगा। सपोज कीजिए आपकी स्टैक के अंदर अगर एलिमेंट स्टोर थे 5, 4, 8, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपको स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा, 8, 4, 5, क्योंकि हमें यही यूजर को रीजन क्रिएट करना है कि जो लास्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो सबसे ऊपर है, इसीलिए हमने एंड टू बिगनिंग का लूप चलाया, क्योंकि यूजर को नहीं पता है कि कुछ पुश होता है कुछ पॉप होता है, उसे तो ये देखना है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हमें अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनेज करना है। ठीक है, अब आपको डिस्प्ले फंक्शन भी क्लियर हो गया है, अब इन सभी फंक्शन को कॉल भी करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमें ऑलरेडी तीन फंक्शन बन चुके हैं लेकिन उनकी कोडिंग तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हम उन्हें कॉल नहीं करते हैं।
बेटा अब हमारे पास हमारे प्रोग्राम में तीन ऑपरेशन हैं। सबसे पहले पुश ऑपरेशन, स्टैक पॉप ऑपरेशन, डिस्प्ले। नाउ वी वांट टू गिव अ चॉइस टू यूजर, ही कैन परफॉर्म द ऑपरेशन विच ही वांट टू परफॉर्म। तो उसके लिए हमें एक मेन्यू यूजर को देना पड़ेगा। अगर मैं एक फंक्शन को एक बार कॉल करती हूँ तो वो सिर्फ एक बार में एक ही एलिमेंट को इंसर्ट या रिमूव करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ यूजर जब तक चाहे तब तक वो स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट या रिमूव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक लूप यूज किया है। ये आपकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, किसी फंक्शन के अंदर गिवन नहीं है। आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में आप तीन फंक्शन डिक्लेयर कर चुके हैं और एक ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, जिसे इनिशियली किस पे रखा हमने, ट्रू पे। इट इज अ बुलियन टाइप वेरिएबल। व्हाइल ए, यानी जब तक ए के अंदर ट्रू वैल्यू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर आते ही सबसे पहले हमने अपना मेन्यू डिस्प्ले किया है, जिसमें हम यूजर को बता रहे हैं कि वन डालने से पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, टू डालने से पॉप और थ्री डालने से डिस्प्ले। उसके बाद हम सी में यूजर से उसकी चॉइस इनपुट करा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर यूजर ने सी में वैल्यू इनपुट किया है वन, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन। अगर यूजर ने सी में इनपुट किया है टू, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पॉप ऑपरेशन। और अगर यूजर ने सी में इनपुट किया है थ्री, तो कौन सा ऑपरेशन होगा, डिस्प्ले। यानी जब तक आपके सी की वैल्यू वन टू थ्री के बीच में रहेगी ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि हम एड्स में नहीं जाएंगे। अगर आपका यूजर चॉइस में वन टू थ्री के अलावा कोई भी वैल्यू इनपुट करता है तो सीधा कंट्रोल कहां जाएगा, एड्स में। और एड्स में हमने ए की वैल्यू क्या रखी है, फॉल्स। तो जब वापस वाइल पे आएगा तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स, और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसकी वर्किंग देखते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन हुआ, ए की वैल्यू इनिशियली किस पे है, ट्रू पे। आप लूप के अंदर आए, आपको चॉइसेस मिल रही हैं, वन पुश, टू पॉप, थ्री डिस्प्ले। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूं। आपने यूजर से सी में वैल्यू इनपुट कराई, सपोज करो सी में यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दी ट्रू। हमने पहली बार लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसी टाइम पे हम पॉप कॉल कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने स्टैक में कोई एलिमेंट इनपुट नहीं किया और हमारा एस क्या था, एम्प्टी। इफ एस इज़ इक्वल टू एम्प्टी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपके स्क्रीन पे मैसेज आएगा अंडरफ्लो। फिर से यही मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि एल्स में तो गया ही नहीं, तो ए की वैल्यू अभी भी क्या है, ट्रू। फिर लूप चलेगा, वन फॉर पुश, टू फॉर पॉप, थ्री फॉर डिस्प्ले। इस बार हमने कहा सी की वैल्यू वन, सी इज़ इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू, तो आप यूजर से कहेंगे एंटर नंबर। सपोज करो एन के अंदर यूजर ने वैल्यू इनपुट किया 10, तो आपने कहा एस डॉट अपेंड 10, एस के अंदर क्या चला जाएगा, 10। ठीक है, फिर से आप वाइल ए पे पहुंचे, ए अभी भी ट्रू है। फिर मेन्यू डिस्प्ले हुआ, अभी भी आपने सी में वैल्यू इनपुट की टू, सॉरी सी में वैल्यू इनपुट की वन, यानी अगेन ये कंडीशन ट्रू है, सी इज़ इक्वल टू वन, यानी फिर से पुश फंक्शन कॉल होगा। फिर से यूजर ने एन में वैल्यू इनपुट कराई, से 20। तो अब जब आप एस में इसे अपेंड करेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 20। वाइल ए अभी भी ट्रू है, इस बार सपोज करो यूजर ने चॉइस में इनपुट कर दिया 3, C is equal to 1 कंडीशन फॉल, C is equal to 2 कंडीशन फॉल, C is equal to 3 कंडीशन ट्रू, डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा। और डिस्प्ले में हमने क्या कहा था, लेन ऑफ स्टैक माइनस 1 से लूप चलाया था। लेन ऑफ स्टैक हमारा कितना है, 2 2 माइनस 1, यानी 1। 1 से लेकर 0 तक का पहले 20 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पर। उसके बाद फिर से आपका यही मेन्यू डिस्प्ले होगा। इस बार सपोज करो मैंने मेन्यू चूज किया 2, यानी पॉप। स्टैक में एलिमेंट कहां से रिलेट होगा, लास्ट से। हमने आपके स्टैक एम्प्टी तो है नहीं, तो जब आप एस डॉट पॉप कोडिंग एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 20, यानी 20 आपकी स्टैक से रिलेट हो गया। फिर से आपका यही मेन्यू डिस्प्ले हुआ। अगर आपकी बार मैंने चॉइस इनपुट फिर की 3,
तो आपके पास जो स्टैक में एलिमेंट डिस्प्ले होगा, स्टैक से 20 जा चुका है, स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो आपको स्टैक में सिर्फ क्या एलिमेंट मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर आपका यही मेन्यू डिस्प्ले हुआ। इस बार सपोज करो मैंने यूजर से इनपुट करा लिया 4, ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, एल्स में गए, ए की वैल्यू हो गई फॉल्स, व्हाइल ए कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। यानी इस तरह से लूप चलाने से हम यूजर से जितनी बार चाहे उतनी बार अपने मेन्यू की चॉइसेस के अकॉर्डिंगली इनपुट करके कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अगर बिना लूप के चलाएंगे तो एक बार फंक्शन कॉल करने से एक बार ही एलिमेंट इंसर्ट या रिमूव होगा। जो ये पूरे प्रोग्राम की कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इस कोडिंग की टेक्स्ट फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप चाहे तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको स्टैक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।